गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। आज हम आप लोगों के लिए HSIDC की एक एडवर्टाइजमेंट आई है वो लेके आए। HSIDC से मैं 30 साल की सर्विस के बाद AGM इंजीनियरिंग डिवीजन के पद से रिटायर हुआ था। मुझे ये एडवर्टाइजमेंट मिली तो मैंने सोचा इसी पे वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के संज्ञान में लाया जाए कि HSIDC ने कमर्शियल साइट्स ऑफर की। HSIDC ऑफर्स कमर्शियल साइट प्लॉट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल स्कूल कायोस्क बूथ्स रिपेयर शॉप डबल स्टोरी होंगी SCO बैंक बिल्डिंग टावर मॉल बजट होटल डिस्पेंसरी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन वेरियस इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड IMT काफी सारी ब्रांच है वहाँ पे ये इंडस्ट्रियल साइट जो है ऑफर किए हैं। ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना है। मैं जो है वेबसाइट की लिंक भी दूंगा, हेड ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर्स भी दूंगा और पूरी डिटेल बताऊंगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, क्या अलॉटमेंट प्रोसीजर रहेगी, ये पूरी डिटेल आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो अखबार में आई है और यहाँ पे ये जो प्लॉट्स हैं और इंडस्ट्रियल एस्टेट और IMTs हैं, जो ये बारकोड है आप इसको स्कैन करके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग डेट रजिस्ट्रेशन की होगी 14 मार्च 2024 और रजिस्ट्रेशन डेट 28/2/2024, यानी कि वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैं वेबसाइट का लिंक भी दूंगा कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। और लास्ट डेट होगी 19 मार्च 2024। और ये जो इतना पोर्शन है ए, इसका इनलार्ज्ड व्यू मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ आपको स्टेट सेक्टर या फेस मिल जाएगा कहाँ पर ये साइट्स हैं, कैटेगरी ऑफ साइट्स भी यहाँ आपको मिलेगी और ये साइज मिलेगा साइट का। और यहाँ पर रिजर्व प्राइस से पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। यहाँ आपने जो ऑनलाइन बिड लगानी है उसके लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी है। ये उसका इनलार्ज व्यू है। जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इसको स्कैन करके करोगे उसमें भी आपको डिटेल क्लियर और साफ मिल जाएंगे। ये हमारे तीन चैनल हैं, एडुटेक्नो मित्रा, MJ मित्रा, एडुला मित्रा। एडुटेक्नो मित्रा, MJ मित्रा, एडुला मित्रा, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो देखने के बाद लाइक कर देना और ज्यादा ज्यादा दोस्तों में शेयर कर देना ताकि ये एडवर्टाइजमेंट मैक्सिमम पीपल्स तक पहुंच जाए। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये लोगो है। ए ग्लोबल लीडर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर फुल्ली ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी गवर्नमेंट का ये ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की कंपनी है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं लेटर ऑन स्टेज पे। वेल प्लान और वेल डेवलप बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं हर सेक्टर में। अभी HSIDC इज अंडर द एनर्जेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप ऑफ श्री यश गर्ग IAS मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत ही एनर्जेटिक IAS ऑफिसर हैं और क्लियर कट मृदु स्वभाव के और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाले ऑफिसर हैं। कभी भी आप इनसे मिलोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने अपनी सर्विस में ऐसा IAS ऑफिसर नहीं देखा। ये डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज से वहां भी मेरी कई बार मुलाकात हुई और कमिश्नर थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद। मैं फरीदाबाद में पोस्टेड था एज एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर और इनके सहयोगी हैं श्री अश्विनी कुमार गुप्ता IAS एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर। ये भी बहुत अच्छे IAS ऑफिसर हैं और प्रॉब्लम को एट अर्लीस्ट रिजोल्व करने वाले ऑफिसर। ये HSIDC का हेड ऑफिस है, प्लॉट नंबर C1314 सेक्टर 6 पंचकुला और पिन कोड है 134109 हरियाणा इंडिया। ये आपके लिए वेबसाइट लिंक डाले है मैंने, पहले वाला लिंक है जो ये है। आपने HSIDC के बारे में इंफॉर्मेशन, ब्रांच वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। और ये ऑनलाइन बिड वाला पोर्टल है, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे आप इस पे लिंक करोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी, उनको फिलअप करके आप लास्ट में सबमिट, उनको भरने के बाद आप लास्ट में सबमिट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो लॉग इन कर सकते हैं पुराने यूजर ID पासवर्ड। जैसे आप इस पर अप्लाई करोगे तो आपको इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप वहाँ सबमिट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये फैक्स नंबर है और ये ईमेल आईडी है, यहाँ से आप कंसर्न्ड पर्सन की एक्सटेंशन मांग सकते हो या उनका नंबर कोई डायरेक्ट होगा तो यहाँ से भी मांग सकते हो। पूरी जो है
जानकारी HSIDC की वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में है, आप वहां से भी ले सकते हैं। HSIDC हरियाणा, ये उनके द्वारा मैंने दे दिए हैं लिंक और वेलकम्स यू फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। आप जैसे HSIDC.org.in पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री जी का गोल स्पष्ट है, मनोहर लाल जी का, आवर इनिशिएटिव आर फोकस्ड ऑन रीइन्वेंटिंग द पैराडिग्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट एंड कैटापल्टिंग हरियाणा इनटू ए सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रियल डॉलर इकोनॉमी। मुख्यमंत्री जी अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि भारत को वर्ल्ड की ट्री इकोनॉमी में खड़ा करना है। इसके बाद ये पेज आएगा और ये हमारे हरियाणा के सबसे बड़े नेता, यानी जहां भी ये खड़े होते हैं नेताओं में तो इनकी हाइट इतनी है, अलग नजर आते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक यंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के और हर प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में पूरा जोर लगा देते हैं। अब प्रोसीजर फॉर ई ऑक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट FF सेट्स रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये एक प्रोसीजर दी गई है वहां पर। जब आप बिड एक्स वाला पोर्टल है उस पर लिंक करेंगे तो वहां ये आपको खुलेगा, दिखेगा यहाँ पर, वहां पूरी डिटेल भी मिलेगी। आगे मैं ज्यादा डालता तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती और ये प्रोसीजर आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। जैसे रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, फिर रजिस्ट्रेशन बाय द एप्लीकेंट ऑन ई ऑक्शन पोर्टल, ये पोर्टल जो मैंने पहले भी दिखाया था, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी एंड EMD, यानी आपको दो तरह की फीस जमा करानी पड़ेगी, एक तो है रजिस्ट्रेशन फी और एक है EMD। सक्सेसफुल बिडर पार्टिसिपेशन बाय द एप्लीकेंट इन ई ऑक्शन ऑन शेड्यूल डेट, अनसक्सेसफुल बिडर और सक्सेसफुल बिडर इधर दे रखा है, यानी आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते रहोगे और बोली लाइव रहेगी और आप उस पर अपनी बोली इंक्रीज करके लगाते रहेंगे, लेटेस्ट स्टेटस आप लोगों को शो करता रहेगा कि अभी करंटली कितनी बोली चल रही है। और जो अनसक्सेसफुल बिडर होंगे उनकी EMD को फंड कर दिया जाएगा और जो सक्सेसफुल बीडर होंगे उनकी वो EMD को 10% एप्लीकेशन मनी में इंक्लूड कर लिया जाएगा और ये EMD घटाने के बाद बाकी की 10% अमाउंट आपको बिड खत्म होने के बाद जमा करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन बाय द एप्लीकेंट ऑन, इस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो www.investharyana.in। फिल लैंड रिक्वायरमेंट CF एंड प्रोसीड फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रीडायरेक्टेड टू, इस पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे और अपनी लैंड रिक्वायरमेंट फिल करोगे तो आप इससे www.hsiidcesewa.org.in पर रीडायरेक्ट कर दिया जाओ और इसका ये सेकंड पेज है, यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल, अंडरटेकिंग्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सीए सर्टिफिकेट ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, सीए सर्टिफिकेट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एप्लीकेंट्स, प्रमोटर्स, शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेरेशन, पर्संस विद डिसेबिलिटी डिक्लेरेशन, फोटोग्राफ और कॉपी ऑफ पैन कार्ड, सबमिट एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अपलोड, रेशियो ऑफ लैंड कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्राइस सर्विस, टोटल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रपोज्ड कवर्ड एरिया, इश्यू ऑफ RLA, आपको RLA लेटर इश्यू हो जाएगा। कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, किसी तरह की सिफारिश नहीं, ऑनलाइन अप्लाई किए और फेयरली जो है आपको प्लॉट एलोकेट हो जाएगा इफ यू फाउंड एज सक्सेसफुल बिडर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप अपनी कमर्शियल साइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे 3 चैनल है, एडुटेक्नो मित्रा, MJ मित्रा, एडुला। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करना अगर पसंद आई हो तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।